नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज एक बार आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसका आपका बहुत दिनों से इंतजार था। अभी कल ही लोअर का रिजल्ट आया है जो आप लोग लगातार 5-6 महीने से इंतजार कर रहे थे। हर दिन कम से कम 4 से 5 बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते थे, सर रिजल्ट कब ला रहे हो? ऐसा लग रहा था रिजल्ट मैं ही ला रहा हूँ। हालांकि मेरे अगर बस में होता मैं बहुत पहले ले आता, इतना इंतजार ना करना पड़ता, लेकिन अब फिलहाल आ गया है तो इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो गई है। और सबसे पहले तो मैं इस बात को बताऊंगा, बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि टीम से जुड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दूसरे स्टेज के लिए क्लियर कर लिया है। हाँ, बहुत ही ज्यादा बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है जो कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनकी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, नोट से जुड़े हुए थे। ये पूरा हम लोग जो कोर्स निकाले थे, निःशुल्क कोर्स निकाले थे, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे हेल्प किए थे, और वो सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे। और ये सारा का सारा मैं आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए अब जब क्योंकि आ गया है तो मेंस के लिए अब हमारे पास, क्योंकि समय गंवाने के लिए एक सेकंड नहीं है, बहुत ही बड़ी परीक्षा है, बहुत ही अच्छे अच्छे पद हैं, इसकी अहमियत आपको समझना होगा। मैं भी आपको समझाऊंगा एक एक बात से। उसके लिए हम लोग अब रणनीति की बात करेंगे कैसे अपकमिंग। बहुत सारे अभी बच्चे पूछ रहे हैं कब हो सकता है पेपर, तो पेपर आपका कभी भी हो जैसे ही आपकी स्थिति नॉर्मल होती है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको 4 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आपके दिमाग में यह होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिमाग में रखना है कि 4 से 5 महीने के अंदर हमें सारी की सारी चीजें तैयार करनी होगी, और वैसे ही हमारी रणनीति यहां पे होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन सारे बच्चों का, जितने ब्लॉक सेलेक्ट हुए हैं, सभी को मैं बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात है टीम के लिए भी, आपके लिए भी। आप लोगों ने यह सब आपकी ही मेहनत थी, दिन रात जो आप लोग इतना मेहनत किए हो, समय समय पे अपने डाउट पूछे हो, क्यूरियस रहे हो अपने सिलेक्शन को लेके, तभी जाके ये सफलता हुई है। ऐसे सफलता हाथ नहीं लगती, एक एक दिन रात एक एक सेकंड एक करना पड़ता है, जो आप लोगों ने करके दिखा दिया है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं और मैं किसका पढ़ूं किसका ना पढ़ूं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। राधा यादव जी हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, ये नाम इनका नहीं दिखा रहा है, नितिन राय जी इनका हुआ है, अनिल जी हुए हैं इनका हुआ है, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े थे। अंकित सिंह इधर हैं, सभी लोग। और कल से आज तक तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था कि बच्चे उधर कॉल कर रहे थे, कॉल पे कॉल कर रहे थे, सर मेरा हो गया मेरा हो गया। हम जितने लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, सभी लोग केवल कॉल पे बिजी थे, इसलिए थोड़ा क्लास भी आपकी बाधाएं इसमें आ गई है, सारी क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी, केवल इसी कारण, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। एक आप में अलौकिक मिश्रा जी का हुआ है, इधर और भी बहुत है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। इधर ये देखिए मोहित जी हैं कोई, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। फिर तुषार जी हैं, उसके बाद मैं किसका किसका नाम पढ़ूं, नाम पढ़ते हुए तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, शोभित जी हैं बहुत ज़्यादा, लोकेश आर्यन है, देवेश पधिहार हैं, विवेक सिंह है, बहुत लोग हुए हैं, अंकित वाजपेयी, पुनीत यादव, अंकित श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत, विजय शर्मा, किसका किसका नाम लिया जाए, शैलेंद्र मिश्रा, प्रेम शंकर सरोज, रवि सिंह कटोयाल, विनय मिश्रा, बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन लिए हैं। और इनका ये खत्म होने वाला नहीं है, अभी ही आता है कि सर मेरा भी होगा मेरा भी होगा। और ये सब सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप लोग की सफलता होती है तो ऐसा लगता है ये सफलता आपकी नहीं, ये टीम की सफलता है, ऐसा लगता है कि टीम ही कहीं जाके सेलेक्ट हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर ये सफलता आपके हाथ में लगी है तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि हमें यह समझना चाहिए रणनीति के लिए कि एक तो बात आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये पोस्ट है बहुत ही ज्यादा अहमियत वाली है। अहमियत वाली क्यों है, मैं आपको ऐसा बताता हूं कि हमारे बीच के एक सर है, महेश सर है, वो अभी तक समीक्षा अधिकारी थे। इससे पहले जो 2018 वाला आया था, आपका लोअर आया था, उनमें उनका हुआ था समीक्षा अधिकारी का, छोड़ के उससे पहले आया था शायद, क्लियर नहीं हूं, उसका छोड़ के वो ईओ अधिशासी अधिकारी का पद लिए हैं। तो सोच सकते हैं कि लोअर का पद कितना अहमियत हो सकता है जब समीक्षा अधिकारी ईओ बनना चाहता है, और अब यूपी ट्रिपल एससी में आ गया है। तो आपको ऐसा समझिए कि किस्मत ने ये आपके लिए किया है, और आपने पहला स्टेज क्लियर कर लिया है जिसका मार्क्स भी नहीं जुड़ना है, जो अब केवल एक स्टेज का एग्जाम बचा हुआ है, मेन्स का, ना इंटरव्यू है, ना कोई इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है, केवल एक है, 200 प्रश्नों का, 400 नंबर का एक स्टेज, 2 पेपर, जिसमें आप
आपको अगर अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट के पद बहुत अच्छे अच्छे हैं, ईओ बहुत अच्छा पद है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर वगैरह है, इस किस पद की बात किया जाए, सारे के सारे पद इसमें बहुत सारे अच्छे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है, हमेशा नहीं आती है जिंदगी में। एक बात समझिएगा, अगर आप प्री क्वालिफाई किए हैं तो ये समझिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे आपको नहीं गंवाना है। अगर ये गंवा दिए तो जिंदगी में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कीमती चीज आप गंवा दोगे। तो हमें यहां पे अपनी सारी ऊर्जा लगा देनी है, सारा दिमाग लगा देना है, दिन रात की मेहनत एक कर देनी है, वो सारे प्रयास कर लेने हैं, साम दान दंड वेद जो मैं अक्सर बोलता रहता हूं, सब कुछ कर लेना है कि हमें मेंस क्वालिफाई करना है। मेंस में टोटल 672 पद हैं जिसपे सिलेक्शन होगा, 15,335 लोगों का इसमें चयन हुआ है मेंस के लिए। तो 15,000 में 672 आपको लग रहा होगा कि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है इस बात को समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा आते हैं। कॉम्पिटिशन इसलिए है क्योंकि देखिए आपका जो पूरा पद है वो कितना है, 672, इस बात को आप समझिएगा। थोड़ा पद है आपका टोटल 672, सेलेक्ट हुए हैं 15,335 लोग, इतने लोग हुए हैं, इनमें से इतना आएगा, कायदे से उसने बोला है श्रेणीवार 15 गुना, तो ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंडली कि हर 15 पे एक, लेकिन यहां पे करेंगे तो लगभग हर 20-22 पे एक आएंगे। तो 20-22 में आपका एक, हर 20 बच्चे पे आपको एक सीट लेना है। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि यार पहले 4,00,000 में हम इतना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन का स्तर इसलिए ज्यादा है, लेवल इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितने भी बच्चे मेन्स में हैं, आप लोग जितने भी हो वो कोई भी एक दूसरे से कम नहीं हो, कोई 19 तो कोई 20, या ऐसा बोल सकते हैं सभी के भी एक ही तराजू पे हो, 20 के 20 ही हो, कोई किसी से कम कोई किसी से ज्यादा। या फिर ऐसा भी है, हो सकता है कि आपका या किसी का, आपके किसी दोस्त का प्री में ज्यादा नंबर आ रहा हो आपसे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका मेंस में आपसे ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एक दो कहीं सिली मिस्टेक हो गया हो, 2-4 नंबर इधर उधर हो गए हो तो आपका कम आ गया हो, लेकिन टैलेंट तो आपका कम नहीं है ना उनसे, नॉलेज आपका कम नहीं है उनसे, और ना ही आपका स्ट्रेटेजी मेंटेलिटी, ना ही प्लान आपका उनसे कम है, तो आप मेंस में उनसे ज्यादा भी कर सकते हो। और यही नियम आपके ऊपर भी लागू होता है दूसरों के प्रति। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 672 पोस्ट है इसके लिए कांटे की टक्कर होने वाली है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कांटे की टक्कर होगी, और हम यहां पे कोई भी यहां पे ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हम ना करें, जिससे हमारी गलती निकल के आए, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाए। हमें सिलेक्शन लेना है, इस 672 पोस्ट में एक जगह आपकी पक्की होनी चाहिए। और टीम परीक्षा प्लस तो इस तरह ही है कि जो 672 का 672 सिलेक्शन है वो टीम परीक्षा प्लस से ही होगा, इस बात का हम लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिया है कि कैसे भी हो जाए। थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है कि 672 पूरे के पूरे सिलेक्शन परीक्षा प्लस से, लेकिन अगर आपकी मेहनत साथ आ गई, हमारी मेहनत साथ आ गई, तो दोनों मिलकर पक्का ये सपना भी पूरा कर देंगे। कुछ भी बड़ा नहीं होता है, अगर 672 बच्चे यहां से सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशक्ति वाली बात नहीं है, बस आपको मन लगन और सही मेंटेलिटी, सही रणनीति के साथ आपको काम करना है, तो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। अब समझिएगा मैंने ये बात जो आपको बोली कि सभी लोग कंपेरेबल हैं, कंपेरेबल मतलब कि एक ही तराजू में है, एक ही नॉलेज है। देखिए मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे एग्जाम दिए हैं वो दो सेगमेंट में हैं, एक वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मैथ बैकग्राउंड वाले थे, और एक वो बच्चे हैं जो कहीं जीएस बैकग्राउंड वाले थे। तो अभी तक जो कंडीशन था ना, जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन वाला, मतलब किसी का जीएस बहुत स्ट्रांग था, मैथ हिंदी और इनसे रीजनिंग से हिंदी और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा नंबर ले लिए, प्री सिलेक्ट कर गए। कुछ बच्चे मैथ वाले थे, एसएससी की तैयारी करने वाले या और भी मैथ बैकग्राउंड करने वाले, उनका मैथ और रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग था, वो थोड़ा हिंदी और जीएस के करंट अफेयर से थोड़ा नंबर ले लिए और उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन प्री में तो ये आपका काम चल गया है। मेंस में आपको 672 में एक जगह बनाने के लिए आपको दोनों बराबर तैयार करना होगा, रीजनिंग और हिंदी का एक भी क्वेश्चन गंवाना नहीं होगा, मैथ्स और जीएस में आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे, ये बात भी एकदम क्लियर है। तो हमें 672 में अगर जगह बनानी है तो हमारी रणनीति भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, हमें कंपटीशन का स्तर भी समझना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप लोग यहां पे, मैं बोलूंगा एक बात और दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको 672 में रखना है तो जो लक्ष्य है आपका, टारगेट जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। क्यों, ये बात समझिएगा, क्योंकि एक तो अगर हम देखें तो 672 पद बहुत ज्यादा पद नहीं होते 15,000 में, और जो टॉपर का मार्क आएगा,
टॉपर के मार्क्स से अगर हम 15 नंबर नीचे चले आएंगे तो इसी 15 नंबर में सारे के सारे 672 लोग आ जाएंगे, ये बात भी क्लियर रखिएगा। तो इसका मतलब चाहे आप हो चाहे टॉपर हो, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपको इस परीक्षा में टॉप करना है। क्यों टॉप करना है? क्योंकि एक तो परीक्षा बहुत बड़ी है, इसके पद सारे बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ड्रीम जॉब है ये, इससे अच्छा पद नहीं हो सकता वनडे लेवल पे ना, क्योंकि आप जानते हो सभी लोग कि ये पीसीएस का पद था, अब आके लोअर में आया है, यूपी ट्रिपल एससी में आया है, तो बहुत बड़ी चीज है, आप गवा नहीं सकते हो। तो सभी को टॉप मारना है, और टॉप मारने वाले बच्चे कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं ये पढ़ लूं ये ना पढ़ूं। क्या पढ़े क्या ना पढ़े वाली स्ट्रेटेजी वहां तक अच्छी होती है जहां तक आपका मार्क्स जुड़ना नहीं होता है। जैसे मैंने प्री में स्ट्रेटेजी दी थी तब मैं एग्जैक्टली आपको यह बताया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजें पढ़ लो, आपको टॉप नहीं मारना था वहां पे, आपको पीएचडी नहीं करना था, आपको केवल सिलेक्शन लेना था, और आप सिलेक्शन लेके आ गए। आप जिन बच्चों ने भी बात मानी वो बच्चे सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गए हैं, अब हमें करना ये है कि हमें टॉप मारना है। तो टॉप मारने के लिए एक बात समझिएगा, टॉप मारने के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा 350 नंबर का 400 में से, टोटल आपका 400 है। एक बार मैं पैटर्न फिर से समझा दूं कि ये आपका दो पेपर में होगा, हालांकि अगर आप लोग पेपर वन क्वालिफाई करके टीयर वन क्वालिफाई करके आए होंगे स्टेज वन, तो स्टेज टू में आपको पहले से पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि पेपर वन पेपर टू होंगे, दो पेपर होंगे, दो अलग अलग पालियों में होंगे। पेपर वन में रीजनिंग के साथ जनरल स्टडीज होगा जिसमें 75 क्वेश्चन जीएस के होंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 150 बनेगा। रीजनिंग के फिर से प्री में भी 25 क्वेश्चन ही थे, यहां पे भी 25 क्वेश्चन ही है, तो रीजनिंग का कोई ज्यादा नहीं, हां स्तर जरूर बढ़ेगा, वो साफ साफ लिखा भी है, उपरोक्त परीक्षा योजना में निगेटिव मार्किंग दिया है, और ये बोले प्रश्नों की कठिनाई स्तर उच्च होगा। तो जाहिर सी बात है, एक तो यूपी ट्रिपल एससी ऑलरेडी रीजनिंग लगता है कि उसका पता नहीं कितना अच्छा गहरा संबंध हो, क्वेश्चन ऐसे ऐसे सेट करता है कि अच्छे अच्छों की यहाँ पे हवा टाइट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अब तो उसने बोल दिया है, अब तो उसने मोहर मार दिया कि भैया हम टफ पूछेंगे, तो टफ कहां कर सकता है? अगर मैथ रीजनिंग पोर्शन में बोले तो सबसे ज्यादा टफ रीजनिंग कर सकता है, क्योंकि वो आप पिछले कोई भी परीक्षा देख लो, चाहे मंडी परिषद देख लो, चाहे आप वीडियो देख लो, या और उधर मत जाओ, आप केवल लोअर की प्री की परीक्षा देखो, उसमें आपका एक तारीख के सेकंड वाले शिफ्ट की रीजनिंग ले लिया जाए, कितनी हार्ड थी, बहुत ही अच्छा लेवल उसका दिया हुआ था। इवन वो रीजनिंग का लेवल तो हर पेपर में अच्छा रखता है, तो जाहिर सी बात है मेंस में और अच्छा होगा। ये नाम मात्र के 25 हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड करना होगा। जनरल स्टडीज में 75 हैं, प्रश्नों का स्तर बोला है कि कठिन होगा, लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में कभी भी कोई चीज टफ या हार्ड नहीं होती, ये जैसे प्री में पूछा था वैसे ही आपका मेंस होगा, ये बात एकदम आपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एम लक्ष्मीकांत रटने, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा एम लक्ष्मीकांत रटने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी सी किताब है, समय आपके पास कम है, आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक बने, मैं एकदम बताऊंगा क्या पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात परीक्षा प्लस वो सारी मेहनत आपके लिए करेगी जिससे आपको कम से कम पढ़ना पड़े, सिलेक्टेड चीज पढ़ना पड़े, मैं ये सारी बातें अभी आपको बताऊंगा। तो पॉलिटी में स्तर कभी हाई नहीं हो सकता, हमेशा एक लेवल होता है, उसमें कोई चीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा तो वो गवर्नेंस चला जाएगा, और गवर्नेंस फिर राइटिंग का हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव का हो जाता है। पॉलिटी जो राजव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आपका फैक्ट है, और फैक्ट आपका टफ नहीं होता, ये बात समझिएगा। टफ कहां कर सकता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री कहां टफ करेगा, क्यों टफ करेगा, इसकी बात समझे हैं तो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेस्ट है। आप एंशियंट में चले जाओ, आप मिडिवल में चले जाओ, आप उसके बाद आपका मॉडर्न आ जाएगा, तीन तो पोर्शन है, फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो जाहिर सी बात है जिसका इतना एरिया है, इतना वास्ट हो, तो आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, फिर उसमें वो कॉन्सेप्चुअल पूछना पड़ेगा, मनसबदारी सिस्टम, पता नहीं अकबर का जो भी वो सिस्टम चलाए थे, या अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत वाले थे वो अलग अलग चलाए थे, तो वहां से जब कॉन्सेप्ट उठने लगता है तब जाके आपके लिए वो चीजें टफ हो जाती है। मिडिवल एंशिएंट की बात करें या मॉडर्न में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कभी कभी अंदर की बातें पूछ लेते हैं, तो वहां पे क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाता है इसलिए ये पोर्शन टफ कर सकता है। तो जीएस में भी आपको ये दिमाग में आपके होनी चाहिए बहुत अच्छी रणनीति कि कौन सा पोर्शन टफ हो सकता है, कौन सा पोर्शन टफ नहीं हो सकता है। तो पॉलिटी टफ नहीं हो सकती है,
फैक्ट बेस्ड ही पूछेगा और फैक्ट कभी टफ नहीं होता है, वो आपको रटना होता है। फैक्ट के लिए हम लोग आपको, मैं पहले ही बता दूं कि संजीवनी नाम की एक बहुत अच्छी कंपेंडियम लेके आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। संजीवनी के बुकलेट में क्या होगा, पीडीएफ आपको दी जाएगी, उसमें होगा क्या कि जितने भी सब्जेक्ट के जो फैक्ट डेटा है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें आपको उठा के दी जाएगी। कंपेंडियम होगी, छोटी सी बुकलेट होगी, जिससे केवल मात्र आप पढ़ लो तो नहीं, कुछ तो 50% आपका फैक्ट कवर हो जाएगा बहुत आराम से, आप गलत नहीं करके आओगे और बहुत अच्छे से सारे के सारे बुकलेट पढ़ लोगे। तो फैक्ट जितने भी हैं, जितने भी फैक्ट बेस्ड पूछेगा 100% आपका वो कवर कर लेगा, केवल ये संजीवनी जो आपकी सीरीज चलेगी उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। तो पॉलिटी टफ नहीं हो सकता, हिस्ट्री टफ हो सकता है। साइंस की बात करें तो साइंस में वो कहां से टफ कर सकता है, बायो पोर्शन एक तो पूछता ही और वहीं पे टफ भी कर सकता है। जैसे आप एक तारीख प्री की परीक्षा में मॉर्निंग वाली शिफ्ट देखें तो सिकल सेल वगैरह इतने एनीमिया पे इतने विधवत क्वेश्चन पूछे थे जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका, हालांकि कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, 10-10 क्वेश्चन गलत कर देता वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही डीप में पूछा था। तो साइंस में फिर से बायो को टफ बना सकता है, इस बात को समझिएगा। रीजनिंग को टफ बना सकता है लेकिन हिंदी को टफ नहीं बना सकता। हिंदी में क्या टफ बना लेगा भैया, आपसे व्याकरण ही तो पूछेगा, साहित्य तो पूछने चला नहीं जाएगा, एक दो क्वेश्चन केवल आपका इधर उधर से पूछेगा कि ये इसकी रचना कौन की है, और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा। जब साहित्य में चीजें घुसती है तब टफ होता है, ग्रामर हिंदी का टफ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा वोकैब्स पूछने, विलोम और ये सब कुछ भी उल्टा पूछने जो आप कभी सुने ना हो, तो कभी भी परीक्षा इस पे फोकस नहीं होती कि वो शब्द पूछा जाए जो आप जिंदगी में ना सुने हो, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूछा जाए जो आप कहीं पढ़ के आए हो और कितना सीरियसली कितना एकाग्रता से पढ़ के आए हो वो चीज पूछते हैं। तो हिंदी टफ नहीं होती है, फिर से सुनिएगा, हिंदी टफ नहीं होगी, पॉलिटी टफ नहीं होगी। मैथ्स का जो पोर्शन है, अभी देखिए कोई भी पेपर होता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, समझिएगा। एक तो कोई भी पेपर होता है, ऐसा नहीं आप लोग उच्च स्तर होगा इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि पूरा को पूरा पेपर ही टफ हो गया, जितने 200 क्वेश्चन है हिलेंगे ये नहीं, आप इतना धक्का लगा लो, ऐसा नहीं है। हर पेपर कोई भी हो, इजी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ लेवल के होते हैं। अगर सही से बात किया जाए तो 30-35% आपका क्या होता है, इजी होता है, 35-40% आपका क्या होता है, मॉडरेट होता है, और अगर इसी को कर ले तो 20-25% आपका क्या होता है, टफ होता है। बस ये, कोई भी पेपर हो कितना भी टफ हो, वो किसी भी लेवल को, वो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपका उधर चले जाए तो कैट वैट की परीक्षा हो, पेपर का जो मॉडरेशन, जो पेपर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये और ये पोर्शन तो आपको एक भी पोर्शन गंवाने नहीं है, और हो सकता है टफ में पेपर का स्तर और बढ़ाए तो ये 25% से लेकर 30% कर ले तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें यहां पर भी नंबर उठाना होगा, और कैसे उठाना होगा वो पूरी सारी की सारी चीज टीम परीक्षा प्लस आपको बताएगी बहुत अच्छे तरीके से, समय समय पे सब कुछ बताएगी। अभी इतना फोकस करिए क्योंकि ये समय अभी ये बताने का नहीं है कि आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, ये समय ये बताने का है आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, नहीं ऊर्जा है तो ऊर्जा लेके आओ, चाहे बॉर्नविटा पीना पड़े, चाहे कॉम्प्लेन पीना पड़े, चाहे दूध पीना पड़े, चाहे फिर कोई चूरन खाना पड़े, लेकिन वो सारे के सारे कर डालो, जो भी हो सकता है बादाम बादाम खा डालो, सारी एनर्जी लगा दो, क्योंकि अब ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक बार जो ये आया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, शायद जल्दी अब फिर ना आए लाइफ में। और हर इंसान के, कोई भी इंसान कोई भी हो, उसके पूरे जीवन में एक समय ऐसा आता है जो उसके लिए बहुत क्रीम समय होता है। हो सकता है ये वही समय आपके लिए हो जो आपकी जिंदगी 360 डिग्री से बदल दे, आपके लिए सब कुछ बहुत हसीन कर दे। तो हम यहाँ पे एक भी ईंट बिना पलटे हुए छोड़ नहीं सकते हैं, सारे के सारे यहां पे हम तिकड़म लगा लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब रही बात, तो टफ से घबराना भी नहीं है क्योंकि ये पोर्शन तो आपके साथ ही है, हमें यहां पे मेहनत करना है। अब जब होता है ना कि उच्च स्तर आएगा तो आपके जनरल आता है कि पेपर का लेवल टफ होगा, तो आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो कुछ भी उठाते हो और उठा के पढ़ने लगते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे होंगे पोलिंग आ रहे, हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो कुछ भी पूछेगा, अब वो बिपिन चंद्रा उठा लेंगे, उधर सतीश चंद्रा उठा लेंगे, उधर कुछ शर्मा उठा लेंगे, जितनी किताबें हो सकती है सब उठा के पढ़ने लगे, पता लगा 4 महीने में आपकी हिस्ट्री नहीं खत्म हुई, ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, एकदम आप इस चीज को भूल जाओ।
पढ़िए, खूब पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत पढ़ने का मतलब है एक आप सेलेक्टेड बुक उठाओ, सेलेक्टेड नोट्स उठाओ और उसे कम से कम 10 बार पढ़ डालो, ना 10 बार हो तो 20 बार पढ़ डालो अगर आपके अंदर और कैपेसिटी हो। तो इस तरीके पे आपको काम करना है, एक चीज को कम से कम 10 बार पढ़ना है ताकि वो चीजें आपको रट जाएं एकदम से। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी ऑप्शन हमें लेफ्ट नहीं करना है कि हमारा सिलेक्शन यहां पे रुक जाए, हमें सिलेक्शन लेना है। तो एक ही चीज को आप 10 बार पढ़ो। क्या पढ़ना है बुक स्ट्रेटेजी के लिए? देखिए परीक्षा प्लस सारे के सारे नोट्स दिए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परीक्षा प्लस खुद लेके आएगी। ये जो आप बोलते हो आपके दिमाग में डाउट रहता है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते तो हमारा क्वालिटी नंबर था, भैया एम लक्ष्मीकांत टीम पढ़ती है, टीम पढ़ेगी, वहां से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ लेके आएगी, नोट्स में आपके लिए डालेगी। यही नहीं, आपका अगर कोई और रेफरेंस बुक अच्छी है वहां से, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह की भी अच्छी है, वहां से उठा के लेके आएगी रखेगी। हिस्ट्री की बात करें स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की, वहां से, या बिपिन चंद्रा की बात करें, सारी चीजें उठा उठा के नोट्स में डाल के ताकि वो आपका कम हो जाए। आपको भैया अगर देखो स्पेक्ट्रम ले लो तो इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब होने आप एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अब उस चीज का एकदम कॉन्क्लूजन निकाल के जो जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जैक्टली वही होगा। और जो परीक्षा प्लस से पहले जुड़े होंगे वो ये बात को जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, परीक्षा प्लस इस मामले में बहुत ज्यादा माहिर है। प्री में भी उसने टेस्ट सीरीज से अपने हूबहू 5 से 6 क्वेश्चन इवन मैथ में फंसा दिए थे, ऑप्शन तक नहीं बदला था उसके, कुछ भी नहीं बदला था, एग्जैक्टली हूबहू वही क्वेश्चन आ गया था। तो मेंस में हम फिर से गारंटी लेते हैं अगर आप हमारे तरीके से चल रहे तो पक्का हो जाएगा। तो ये तो हमारी रणनीति है, रणनीति हमारी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। मैं फिर से बोल दूं, पॉलिटी आपका टफ नहीं होगा, हिंदी आपका टफ नहीं होगा, आपका मैथ्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं करेगा, इसलिए मैं ना टफ के ही पोर्शन में लेके आऊंगा। यूपी आपका टफ नहीं करेगा, एग्रीकल्चर के एक दो ही क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट में कुछ भी आपका टफ नहीं होगा, जैसे पूछता है वैसे ही पूछेगा। ये ऐसे पोर्शन है जो टफ नहीं हो सकते हैं। टफ क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री आपका टफ हो सकता है, आपका रीजनिंग टफ करेगा, आपका साइंस टफ करेगा, आपका जियोग्राफी टफ करेगा। ये जो 4 ऐसे पोर्शन हैं जो सबसे ज्यादा यही आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, अगर वो खेलेगा पेपर के साथ, उसे टफ करेगा, उच्च स्तर का करेगा, तो इन 4 पोर्शन के अलावा कहीं से टफ नहीं बना सकता। बनने को तो मैथ से बहुत टफ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दो ये ऐसी एक परीक्षा है जिसमें एग्जामिनर को भी पता है कि हमें किस पद के लिए चयन करना है। ये SSC की परीक्षा नहीं है कि मेंस स्तर का पूछेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे टफ उत्ता नहीं करेगा, टफ आपका रीजनिंग करेगा, रीजनिंग इसलिए करेगा क्योंकि वो टफ करता आ रहा है। अगर आप ये कर लिए, ये दिमाग में रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, तो आपका जो तरीका हो जाएगा पढ़ने का वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है हम पढ़ें क्या, पहले टफ वाला कि पहले नहीं टफ वाला। तो मैं बोलूंगा क्या भैया टफ वाला कितना पोर्शन आता है, 20 से 25% ही, तो 20 से 25% के लिए उतना क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पढ़ो ही मत, इस पे ये जो पोर्शन है आप शुरुआती दौर में इतनी चीजों को एकदम खत्म कर दो, एकदम रगड़ दो कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपका ना जाए। जो टफ हो सकता है उसे साथ साथ लेके चलो, लगभग अगर 60% समय यहां दे रहे हो तो 40% दो, केवल 10% का अंतर दो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां आप घबराओ नहीं, यहां कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा, लेकिन यहां पे आपको कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज होने देना है। यहां पे हमें क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से बनाए रखना है, तभी जाके हमारा यहां पे सिलेक्शन हो पाएगा और एक अच्छी रणनीति के साथ हम कर पाएंगे। पढ़ना हमें सब कुछ है, बहुत ही तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा कि यहां पे जो आपके तरीका है सिलेक्शन का, वो टारगेट जो 350 है वो कुछ 3 चीजों पे बेस है। पहला क्या, 3 पिलर मैंने इसको बोला है, 3 पिलर का मैं इस कॉन्सेप्ट को नाम दे रहा हूं, और अगर इस 3 पिलर पे आप वर्क कर लिए तो ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रुकता। पहला, ये पूरी परीक्षा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और ये जो 3 पिलर मैं बोल रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट, फैक्ट
और प्रैक्टिस, अगर इसमें से कोई भी पिलर आपका डगमगाया तो ये परीक्षा की छत पूरी गिर जाएगी। इस परीक्षा की अगर छत आपको खड़ी रखनी है तो ये तीनों के तीनों जो पिलर हैं वो बराबर लेके चलने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जैसे कि आप कोई चीज मैथ्स में ही पढ़ रहे हो, मैथ्स में आपको पता होनी चाहिए कोई चीज कहां से आई है कैसे आई है। आप इतिहास पढ़ रहे हो तो एक होता है इतिहास की ये व्यवस्था इन्होंने लागू किया, और कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये व्यवस्था क्यों लागू किए, वहां पे जरूरत क्या पड़ी थी उन्हें लागू करने के लिए, या वहां पे हो सकता है कि कौन उन्हें वहां पे सजेस्ट किया था, ये टैक्सेशन सिस्टम और कैसे बढ़ाना चाहते थे, कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते थे अलग अलग उस सिस्टम के, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे अगर हम भूगोल की बात करें तो फैक्ट हुआ कि ये हमारी एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन कॉन्सेप्ट यह हुआ कि किस जोन में हमारा एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, क्यों यहीं पे पाया जाता है, कि जैसे है पैसिफिक है ना, पैसिफिक रिंग एरिया जो होता है, तो ये बात सारी हम क्लास में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हुआ, और क्या हुआ फैक्ट, तो फैक्ट भी जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। क्यों कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मैं मिला रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो फैक्ट अपने आप रट जाएगा। आप कितना भी फैक्ट रट लो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इस परीक्षा में गड़बड़ करके आओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 10 से 15 नंबर का ही रेंज रहेगा, एक तरफ टॉपर है और एक तरफ लीस्ट सिलेक्टेड बंदा है, जो सबसे कम अंक पे सिलेक्ट हुआ है, सबसे निचले पे, इन दोनों के बीच में केवल 10 से 15 नंबर का फर्क रहेगा। आप लोग इसी 10 से 15 के बीच में लाई करोगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन, और 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में क्या वैल्यू रखता है भाई, 4-5 क्वेश्चन मतलब गोला भरने में क्या होता है। एक तो बात मैं अभी करूंगा, टेम्परामेंट भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बात मैं अभी करूंगा, लेकिन खराब टेम्परामेंट की वजह से ही 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पिछली बार प्री के पेपर में बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आए, बोले कि अरे सर ओएमआर भरने में गलती हो गई। ओएमआर भरने में क्या गलती हो गई, वहां पे 1 से 25 तक अलग था, फिर दूसरा नीचे से स्टार्ट था, लेकिन वो सोचा कि ऊपर से स्टार्ट है, अब नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर वाले कॉलम में गोला भर के चले गए और ऐसे 5-6 क्वेश्चन चले गए, तो 5-6 क्वेश्चन आपको ह्यूमन एरर से ही नीचे लेके चला जाएगा और आपको बाहर कर देगा। इसलिए हमें मेंटल स्थिति भी अपनी बहुत अच्छी रखनी होगी, हमें बहुत ही कूल माइंड रखना होगा, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें अंडर प्रेशर नहीं होना है, सब कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, साम दान दंड वेद, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी रणनीति, अच्छी मानसिक स्थिति, अच्छा ज्ञान, अच्छी प्रैक्टिस, ये सारी चीज जब मिलेंगी तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। ये बात फिर से सुन लो, बहुत फैक्ट बात बता रहा हूं कि इस चीज पे आपको वर्क करना है। तो ये जो आपके तीन पिलर हैं, तीनों पिलर को बराबर करना है, जितना हो सकता है उतना कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप वीडियो लेसन ले सकते हो, जितना हो सकता है उतना वीडियो लेसन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझो, नोट्स बहुत अच्छे आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फैक्ट, फैक्ट लीजिए, जैसे मतलब बताया नहीं कि परीक्षा पर संजीवनी लेके आएगी आपके लिए, उस संजीवनी में वो सारे फैक्ट होंगे, ये पिलर जो है ये आपको परीक्षा प्रश्न दे देगा कि एकदम से आपको सारी की सारी चीजें, सारे फैक्ट ये से हो जाएंगे, आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल पीडीएफ लेना है, प्रिंट कराओ और अच्छे से आप उसे पढ़ डालो। ये भी बताऊंगा पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते रहते हैं। तीसरा है प्रैक्टिस, आप खूब कॉन्सेप्ट जान लो, आप खूब फैक्ट रट लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम ही आप धोखा खाओगे, क्योंकि 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न कम नहीं होते किसी भी परीक्षा में, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपकी साउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए एक एक चीज, आपका हाथ रमा होना चाहिए, आपका दिमाग रमा होना चाहिए, तब जाके होगा। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे बच्चे, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को क्यों कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि सर टेस्ट सीरीज तो तब ली जाती है जब परीक्षा नजदीक आ जाती है, वो जमाना खत्म हो गया भैया, कंपटीशन लेवल हाई हो रहा है, आज डेट निकली नहीं नोटिफिकेशन का कि बच्चे टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देते हैं, और यही सही तरीका भी होता है। अगर आप पहले दिन से प्रैक्टिस करने लगे, हालांकि मैं बता दूं परीक्षा प्लस प्रैक्टिस के लिए आपका डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट कराएगी, हर जो आपका जैसे क्या है, ये आपका था 4 सेक्शन था, रीजनिंग का सेक्शन है, जनरल स्टडीज का सेक्शन है, मैथ साइंस का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, आपको एक दिन रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और वो भी अभी समझिएगा कैसे कराएगी ये भी मैं बता दूंगा पूरा, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन आपका जनरल स्टडीज का होगा, पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पूरे एक घंटे। ऐसे ही आपका मैथ साइंस का होगा, इसमें 38 क्वेश्चन मैथ का अलग, 37 क्वेश्चन साइंस का अलग, क्योंकि मैथ और साइंस में जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो मैथ के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस के 37, और इन दोनों को मिला लिया जाए तो 75, तो कहने का मतलब लमसम 50-50% ये दोनों क्वेश्चन एक ही उसमें पेपर में पूछे जाएंगे। तो
यहाँ पे मैथ्स का अलग सेक्शनल होगा, पूरा टेस्ट डेली बेसिस पे होगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, प्लस उसकी पीडीएफ के माध्यम से कैसे भी टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी का सेक्शनल होगा। तो ये जो चारों है, मतलब दो यहाँ पे, तीन ये और दो ये, 5 दिन लगातार आपके 5 सेक्शनल होंगे और फिर आपकी एक टेस्ट सीरीज होगी फुल लेंथ। पूरा प्रैक्टिस पे भी आपका परीक्षा प्लस फोकस है। तो ये भी आपकी पूरी प्रैक्टिस कौन कराएगा? हम कराएंगे भाई। आपका सिलेक्शन कौन कराएगा? मेरी जिम्मेदारी आपका सिलेक्शन लेना। अगर आप हम पे इतना विश्वास किए हो तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं कर सकता आप पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप हम पे पूर्णता विश्वास करोगे, जब आप हमसे पूर्णता जुड़ोगे, जब आप हमें फॉलो करोगे, तो पक्का पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगे। कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कहीं भी चले जाओ, इस बात का तो मैं दावा कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट इस लाइन में, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के लाइन में, ना तो हमसे अच्छा कोई दे पाया है। और चैलेंज के साथ मैं कह भी रहा हूं कि अगर इतना अच्छा कोई कॉन्सेप्ट दे दिया तो बता देना आप आके। कोई भी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, एक एक डिटेल, आप सारी वीडियो पढ़ी है जाके यूट्यूब पे, आप सारी वीडियो देख सकते हो, सारे आप जो नोट्स, जो बच्चे जुड़े उन्हें कहने की तो जरूरत ही नहीं है, जितने भी नोट्स हैं आप लोग पढ़े हो। और ये आपका विश्वास ही है जो हमें बार बार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हम चाहे ना चाहे, कभी क्या होता है, इंसान तो हम लोग भी है, कभी कभी आलस आ जाता है, छोड़ो यार। लेकिन जब आप कहते हैं सर ये बहुत अच्छा है, तो नहीं यार अभी थोड़ी मेहनत और बाकी, अभी और करना है। इन बच्चों का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, कल तो बहुत प्रश्न था मन एकदम बहुत अच्छा माहौल था कि इतने बच्चे यार, सैकड़ों की संख्या में, इतनी कम कम्युनिटी में इतने ज्यादा लोग सक्सेस, अगर रेशियो देखा जाए तो 70-80% बच्चे सिलेक्ट हैं हमारे साथ। समझ रहे बात? ये बहुत बड़ी बात होती है और यही तो हमें प्रेरणा देता है, यही हमें कॉन्फिडेंस देता है। चलिए, ये तो हमारे कुछ स्ट्रेटेजी की बात हो गई। स्ट्रेटेजी में आपको मैं फिर से बोलूंगा कि हमें सारी की सारी चीजें करनी है, बहुत अच्छे से करनी है और कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो आपका बुक है, बुक, बहुत लोग बोलते हैं सर बुक लिस्ट बता दीजिए, बुक लिस्ट के लिए मैं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा भटकिए मत। परीक्षा प्लस सारे के सारे नोट्स दे रहा है, सारी के सारी बहुत, जितनी भी किताबें हो सकती हैं अच्छे, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हो सकता है, जितने भी मेन फैक्ट हो सकता है, वो सब दे रहा है। और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारी की सारी, मतलब वो जो तीन पिलर की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और प्रैक्टिस, इन सभी पे आपका परीक्षा प्लस दे रहा है। तो मैं एक बार बता दूं कि आपका क्या क्या दे रहा है। कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो लेशन दिया जा रहा है पूरा का पूरा। इस वीडियो लेशन के बाद आपका इसमें फैक्ट में आपका, मैंने बोला ना, संजीवनी दिया जा रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात जो आपको बहुत ज्यादा फैक्ट में हेल्प करेगी। यहां पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, के सारे पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। वीडियो लेशन होंगे, पूरा लेक्चर होगा, मैं यहां पे इसे लेक्चर लिखता हूं, ये पूरा ऑनलाइन क्लास होंगी सारे। फिर नोट्स होंगे, नोट्स आपको सारे पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मैथ के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनके कॉन्सेप्ट होंगे, रीजनिंग के सारे प्रैक्टिस होंगे, उनके कॉन्सेप्ट होंगे, हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस होंगे। साथ ही आपके जीएस के जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो चाहे हिस्ट्री का हो, वो चाहे ज्योग्राफी का हो, वो चाहे पॉलिटी का हो, चाहे आपका करंट इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, उसी में कृषि हो, सारी की सारी चीजें, चाहे आपका साइंस का नोट्स हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे के सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। पूरी बुकलेट होगी, इसमें आपके फैक्ट में पूरा संजीवनी दिया जाएगा, प्लस आपकी एमसीक्यू क्लास कराई जाएगी और इसी का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा सब कुछ। उसके बाद फिर तीसरा जो आता है वो क्या है, जो तीसरा आता है वो है हमारा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे बोला सबसे बड़ी बात, तो टेस्ट सीरीज दे रहा है और टेस्ट सीरीज में आपके कुल 16 टेस्ट हैं, जिसमें आपके जो 7 हैं वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव हैं, और 8 जो हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा हम एमसीक्यू तो आपको कराएंगे ही, और इससे अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका डेली रोजाना एक सेक्शनल टेस्ट होगा, किसी दिन हिंदी, किसी दिन रीजनिंग, सारी की सारी टाइम टेबल आपको दे दी जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पूरे जो 6-7 दिन होते हैं सबका शेड्यूल बना दिया जाएगा और सेक्शन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैं बोल रहा था कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में रीजनिंग और जनरल स्टडीज है, तो समझिएगा इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिले, 1 घंटा 30 मिनट आपको पूरा मिला है। ठीक बात समझ में आ गई। अब इसमें है क्या पोर्शन, एक तो हिंदी का पोर्शन है और दूसरा क्या पोर्शन है, जीएस नहीं, हिंदी वाले के साथ मैथ्स है ना, हिंदी है और मैथ्स और साइंस है। तो अगर हिंदी का आपका टाइम डिवाइड कर दिया जाए 1.5 घंटे में, तो 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन बहुत आराम से लगा दोगे। तो आपका एक सेक्शनल टेस्ट 20 मिनट का 25 क्वेश्चन का कराया जाएगा। ऐसे ही आपका मैथ्स में
इसका आपका 1 घंटा 10 मिनट मिला है, तो 1 घंटा 10 मिनट में अगर हम आधे घंटे निकाल दें किसके लिए, साइंस के लिए 25 मिनट, तो 25 मिनट में सेक्शन कराया जाएगा साइंस का। ऐसे ही आपको 35 से रोज रोजाना ये होगा, 40 मिनट का क्या होगा, 38 क्वेश्चन का मैथ का सेक्शन कराया जाएगा। ऐसे ही आपका जो जीएस होगा, जीएस का पूरा 75 क्वेश्चन आपका 1 घंटे का टेस्ट कराया जाएगा और उसमें होगा। तो ये सेक्शनल टेस्ट पूरा प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल होंगे, लेकिन उसमें सारे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वाइज होगा, ऐसा नहीं टॉपिक वाइज होगा, वो पूरा मिसलिनियस होगा। जीएस है तो उसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, जैसा आपका एग्जाम में रियल आएगा वैसा प्रैक्टिस कराएगा। तो अब आप यहां पे सोच सकते हैं कि अगर 200 प्रश्न एक टेस्ट सीरीज में है और आपको कुल 16 दिया जा रहा है, तो 3200 प्रश्न तो आपके यहाँ पे हो गए। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि हम सेक्शनल कितना कर लेंगे, तो डेली एक सेक्शनल कराया जा रहा है, किसी में 75, किसी में 25, किसी में 38, किसी में 37, ऑन एवरेज अगर हम 30 से 40 रख लें तो 40, और रोजाना कराया जाएगा, ये 4 से 5 महीने तक कराया जाएगा, मतलब अगर 120 कर लें तो आपका 4800 प्रश्न यहां पे हो गया, 3200 प्रश्न यहां पे हो गया, 4800 प्रश्न यहां पे हो गया, 8000 प्रश्न यहां पे कवर कर दिया गया आपका। उसके बाद आपका 2 से 2500 एमसीक्यू करा दिया जाएगा। मतलब एक बात बताओ, अगर आप 10000 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कुछ बचेगा क्या? एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है कि अगर आप किसी चीज पे 10000 बार से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपके इंट्यूटिव माइंड में चला जाता है, आपके वो फिर आप सोते जागते वो चीज एकदम आपको रट जाती है। जैसे आपका नाम, कोई कितनी भी भीड़ में आपको बुला ले आपके नाम से, तो आप तुरंत एकदम सर घुमा के देखोगे, अरे कौन बुलाया, क्यों? क्योंकि आप उसे 10000 बार से ज्यादा सुन चुके होते हो कि ये मेरा ही नाम है। ऐसे अगर आप 10000 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके रट जाने हैं, कहीं से कुछ नहीं बचना है। तो ये सेक्शनल टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपेंडियम जो जूनी के नाम से हम लोग उतार रहे हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स है लोअर मेंस ऑनलाइन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज, इसमें आपका क्या क्या दिया जाएगा मैं आपको बता दूं, व्यापक वीडियो क्लास आपको इसमें दी जाएगी, सारी के सारे वीडियो क्लासेस होंगी इसमें। उसके बाद सभी क्लास के नोट्स होंगे, जैसा मैंने बताया है नोट्स कुछ इस तरीके से होंगे, मैं आपको दिखा दूं ये सारे नोट्स होंगे, अभी मैं नोट्स की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपके सारे अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित बुकलेट नोट्स, मैंने बताया ना, एक तो वीडियो होगी, वीडियो जो पढ़ाया जाएगा उसी की क्लास नोट्स दी जाएगी, उसके बाद बुकलेट नोट्स अलग से दी जाएगी, उसके बाद 16 टेस्ट भी दिया जाएगा जिसमें एक डेमो भी है, फिर सभी टेस्ट के व्याख्यात्मक हल्का पीडीएफ भी दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका डेली सेक्शनल टेस्ट भी होगा। और यही नहीं, एड ऑन के रूप में हम आपको 3000 प्लस जीएस के एमसीक्यू दे रहे हैं और 1000 प्लस हिंदी के एमसीक्यू दे रहे हैं, तो 10000 में 4000 आप और जोड़ लो, 14000 प्रश्न का आपका हम इन 4 महीनों में प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और सारे क्वेश्चन परीक्षा प्रश्न की क्वालिटी आप सभी जानते हो कि अगर इतने क्वेश्चन आपको रट गए तो कोई माइका लाल नहीं है कि आपका सिलेक्शन यहां पे रोक ले, सिलेक्शन तो होके रहेगा, 672 के 672 पोस्ट यहीं से निकलेंगे, कोई भी यहां पे रोक के दिखा दे इस बात की गारंटी है। ये पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो गया है। इसकी मैं बता दूं कि जो शुल्क रखा गया है, बहुत ही बहुत सारे लोग बच्चे क्यूरियस होंगे, तो बता दूं बहुत ही नाममात्र रखा गया, इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं, लगातार आपको 4 से 5 महीने की डेली क्लास दी जाएगी, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ बहुत अच्छे से विधिवत पढ़ाया जाएगा, सारी फैकल्टीज वहां पर अवेलेबल होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज, और उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है 16 टेस्ट की, आपके सारे सेक्शनल टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है, आपके सारे बुकलेट नोट्स भी इसी में इंक्लूडेड। बुकलेट नोट्स की बात आई है तो मैं आपको दिखा दूं, जो बुकलेट नोट्स है वो हमारी सारी ऐसी हैं, जैसे ये लोअर मेंस के लिए स्पेशली लोअर मेंस के लिए गणित बनाया गया है। क्यों स्पेशली हम लोग बनाए हैं इस बात का भी बता दें कि देखिए, एक होता है जनरली क्या होता है, लोग कंबाइन भेज देते हैं जो उनका बना होता है, एक होता है कि जैसे आपका पूछता है, अभी जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि प्री में ही एक क्वेश्चन आया था रेशियो का ही, उसमें दिया हुआ था A:B और B:C:D दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन दे रहा था एज वाला कि एक किसी दो लोगों का रेशियो इतना है और 10 साल बाद इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब किसी भी बुक में चले जाओ ढूंढने, बुक में मिलेगा ही नहीं वो प्रश्न, क्योंकि नया फ्रेम होके आया है, नया कॉन्सेप्ट है ये। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित करके आपके लिए बनाया गया है ये पूरी बुक जो है आपकी, इसमें करीबन 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ऐसे रीजनिंग की बुकलेट होगी, ठीक ऐसे आपका सामान्य विज्ञान का, अभी जैसे पिछली बार देखा जाए तो न्यूट्रिशन से डिजीजेस से बायो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा, एनीमिया वगैरह है ना, या कुछ और भी उसमें ऐसे टॉपिक दिए हैं जो आपको कहीं जल्दी किताब में मिलेंगे नहीं,
जैसे वाटर टेबल का बहुत ज्यादा दिया है, इन्वायरमेंटल साइकिल का दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, एक्वाफायर वगैरह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो पूछता है और पूछा भी है यूपी ट्रिपल एससी, जो आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, वो सारी चीज कंबाइन करके इस नोट्स में दिया गया हुआ है। उसके बाद आपका हिंदी का है, हिंदी परीक्षक पद से अच्छा तो ना किसी ने कोई पढ़ाया है ना कोई पढ़ा पाएगा, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ। 800 प्लस की सीरीज हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए चलाया था और सारे बच्चे यही बोल रहे थे, सर आपके इस 800 में से ही सारे के सारे प्रश्न आ गए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भारतीय राज व्यवस्था ऐसी बुकलेट दी जाएगी, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष, कृषि और अंतिम में आपकी समसामयिकी। समसामयिकी की बात आई है तो मैं आपको और समझाना चाहूंगा, अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का एक पैटर्न हो गया है, आप लोग बोलते हो सर करंट पता नहीं कहां से पूछ लेता है, हवा नहीं लगती है, तो मैं बता दूं कि करंट का जो पूछने का तरीका है वो आपके करंट के जीके फैक्ट से क्वेश्चन उठाता है, ऐसी जगह से काटता है। सपोज करिए कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कोई घटना घटी है, अब उसकी जो इतिहास होगी, उसकी जो ज्योग्राफी होगी, वहां से कॉन्सेप्ट लेके आएगा और फिर पूछेगा, तो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भी समसामयिक पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि जो आप खबर तो पढ़ रहे हो, केवल खबर मत पढ़ो, उसका जीके फैक्ट भी पढ़ो, और ये सारी चीज आपकी इस बुकलेट में मिल जाएगी। सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सारे ऐसे जीके फैक्ट होंगे जो आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना समय नहीं व्यर्थ करना पड़ेगा। समय व्यर्थ करने से मैं बता दूं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं अपने रणनीति का 50% जो हिस्सा होता है ना, वो समय व्यस्त कर देते हैं, एकदम बेकार कर देते हैं चीजों को ढूंढने में, कलेक्ट करने में। वो अगर 50% आप बच जाए आपका, तो आप उसे पढ़ने में लगा दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका टेम्परामेंट भी अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बात टेम्परामेंट की आई है तो मैं यहां पे एक बार और समझाऊंगा, टेम्परामेंट आज से ही आप अच्छा बना के चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टेम्परामेंट किस मामले में उच्च स्तर आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें टफ आएंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इजी और मॉडरेट वाले भी हैं, टफ का केवल 25% है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, जब आप तैयारी कर रहे हो तो टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि छोटी छोटी हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, आज गर्लफ्रेंड टूट गई है, कल कोई पड़ोसी बीमार हो गए हैं, परसों किसी के यहाँ कोई शादी वादी ठनी है, तो ये सारी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इसको भी दिमाग से निकालना होगा। हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि मैं बता दूं ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा पद है, आपको सब कुछ एक तरफ, जब आप त्याग करोगे ना तब ये पद पाओगे, तो त्याग की भावना आपके अंदर आ जानी चाहिए ताकि ये हो जाए। बात समझ में आ गई, इससे जब आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और एक भी सेकंड नहीं बर्बाद करना है। और इससे भी बड़ी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तब का टेम्परामेंट, वो बात तब हम बताएंगे जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी, तब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको टेम्परामेंट बहुत ज्यादा कूल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इसके लिए समय समय पर आप परीक्षा प्लस के किसी भी एडमिन से संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मेन क्या है, सिलेक्शन लेना है। अब ये तो हमारा था कि हमने ये पूरा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, ऑनलाइन कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी आज से ही चालू हो गया है। आप लोग live.parikshaplus.org पे जाके live.parikshaplus.org पे जाके रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा दूं, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि live.parikshaplus.org, स्पेलिंग आप सही से देख लीजिएगा, यही आपको डालना है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जो पहले बच्चे पहले से रजिस्टर होंगे, या ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके, ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल है तो जाके केवल परचेज करना है। सबसे पहले कोर्स में आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के नाम से आपका कोर्स होगा, वहीं पे आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। आपके बगल में स्क्रीन आ रही होगी ऐप की, तो वहां पे भी आप जाके वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे आए हैं, पहली बार आए हैं तो आपको रजिस्टर करना है, दोबारा आए हैं तो लॉगिन करना है। पहली बार वालों को मैं बता दूं कि लॉगिन जैसे करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा, इसमें आपकी डिटेल्स फिल करेंगे वैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ ऐसा खुल के आएगा जहां पे आपको ये बाई कोर्स का दिख रहा होगा। जैसे ही बाई कोर्स पे जाएंगे तो ये आपका दोनों दिया हुआ यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस ऑनलाइन क्लास फर्स्ट से यहां पे दिया हुआ है। मैं एक चीज और बता दूं कि इसके लिए अभी ये तो जैसे इस पे करेंगे ऐड टू कार्ट, यहां से आप परचेज कर सकते हैं, ये तो काफी सफिशियंट है बताना। एक बात मैं और बता दूं कि ऑनलाइन कोर्स के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो केवल टेस्ट सीरीज भी उसमें अलग करके 699 में केवल दिया गया, बहुत कम प्राइस है, जिसमें आपको पूरा के पूरा 16 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 7 विषयवार टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट पूरा दिया जा रहा है, सभी टेस्ट के व्याख्यात्मक हल दिए जा रहे हैं पीडीएफ में, सभी विषय के शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं इसी में। ये शॉर्ट नोट्स जो होंगे ये कहीं ना कहीं वो संजीवनी वाले से रिलेटेड होंगे,
और व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं समस्या समाधान आपका समय समय पे किया ही जाएगा। तो आप देखिए, ये जो पूरा कोर्स है कंप्रेहेंसिव, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1999 वाले की, ये आपका ऐसा कोर्स है जिसमें मैं और आप डेली बेसिस पे डेली के 4-5 घंटे जुड़े रहेंगे, क्लास के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से। अब ये समझिए कि आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे वेब पोर्टल पे भी जाके इसको पूरा परचेज कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिलेक्शन, देखिए अभी तक जो और भी होता था मैं बोलता था कोई बात नहीं, आपको खुद से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा, आपको मैं पसंद आता हूँ तो एग्जैक्टली परीक्षा प्लस की क्वालिटी पसंद आती है तो यहाँ से लीजिए, नहीं परीक्षा प्लस की क्वालिटी पसंद आती है तो आपको जो पसंद है वहां पे जाके लीजिए, लेकिन अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है कि हमेशा अपने आप से पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बेटा वो बात केवल प्री तक सही होता है। कहीं ना कहीं जीवन में आपको आगे जाने के लिए आपको अपने सीनियर का, आपको अपने गुरु का, जो पहले से चयनित लोग हैं, जो वो सारी गलतियां करके आए हैं, देखिए जो पहुंच चुका होता है ना, वो आपको ये तो नहीं बता पाता आप क्या करो, लेकिन वो ये जरूर बता देता है आप क्या ना करो। इसलिए आप उनके मार्गदर्शन में जरूर रहें। परीक्षा प्लस के मेंबर आपको पसंद में आते हैं, अगर आपको रमन सर पसंद है, आशीष सर पसंद है, मैं पसंद हूँ, या अन्य कोई फैकल्टी या अन्य कोई जन पसंद है जिसे आप अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो आप जरूर परीक्षा प्लस से जुड़ो, गारंटी मैं दे रहा हूं। और फिर भी अगर नहीं आपके साथ कोई भी ऐसा है कि नहीं मैं यहीं पे कर सकता हूं, तो आप वहां जुड़ जाओ, इस बात के लिए मैं खुला बोल रहा हूं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी बेटा। इसमें एक भी आप अपने साथ गलत मत करना, इस बात को मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं। 1,000, 2,000, 3,000, कोई 7,000 का निकालेगा, कोई 10,000 का निकालेगा, मायने नहीं रखते हैं। एक बार हो जाएगा तो एक घूस लोगे, 5 लाख पा जाओगे अगर अनुशासी अधिकारी हो गए तो। बात समझ में आ गई, पता नहीं कितने उसमें हजार छुपे होंगे, तो आपको यहां पे चाहे लोन लेके कर लेना, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ नहीं पैसा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि पैसे की बात कर रहा हूं, आपको कहीं भी कोई आपका सीनियर हो जो अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, आप उसके मार्गदर्शन में जरूर रहो। अपने पे एक तो होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना, कॉन्फिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है पूरी स्ट्रेटजी आपको सही लगी होगी, एक बार आप फॉलो करके देखे। देखे यहाँ पे हर इंसान की अपनी रणनीति अलग भी होती है, एग्जैक्टली आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है नहीं आपकी रणनीति आपकी ज्यादा बेहतर है। अभी मैं बता दूं, मैं बहुत ही ऐसी फ्लैट स्ट्रेटजी बताया हूं जहां पे मैं ये बताया हूं आपको पढ़ना सब है, ये बताया हूं क्या टफ आएगा क्या टफ नहीं आएगा, इस बात पे ध्यान देना है, टेम्परामेंट अच्छा करना है, और वो सारी चीजें जब आप कोर्स से जुड़ेंगे तो एक एक रणनीति, एक एक चीजें आपको मैं बताता रहूंगा, अन्य टीम के सदस्य हैं वो बताते रहेंगे, सारी चीजें बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग जुड़ोगे कोर्स के साथ, और एक जो 672 में एक पद अपने लिए जरूर सिक्योर करोगे। चलिए फिर, कोर्स के साथ, तमाम वीडियोस के साथ, तमाम कॉन्सेप्ट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, क्वेश्चन के साथ, क्या क्या बोलूं, इतनी सारी चीजें केवल 1999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में अगर बोला जाए तो 699 में कुछ भी आप ले सकते हो। अगर आप 1999 ले लोगे तो टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूडेड है, मैं पहले बता दूं। तो फिर मिलते हैं इसके बाद, और अब तो डेली मिला करेंगे अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़िए, सब कुछ लगा दीजिए दांव पे, सब कुछ त्याग दीजिए, केवल अपनी पढ़ाई देखिए। चलिए फिर, धन्यवाद।